उत्तर प्रदेश बरेली भोजपुरा पोलीस स्टेशन परिधि नैनीटाल हाईवे पै घोर प्रमादं जरिगिंदि। कारु ट्रक् ढीकोनी भारीगा मंटलु चेलरेगायि। दींतो कारुलोनि 8 मंदि सजीव दहनं अय्यारु। फैर् सिब्बंदि घटना स्थलानिकि चेरुकोनि मंटलु आर्पारु। कारु ट्रक्कुनु तोलगिंचि ट्राफिक् क्लियर चेशारु। डेड बाडीलनु पोस्टुमार्टं कोसं हास्पिटल् कु तरलिंचारु। टैर् पगिलिपोवडंतो कारु उत्तराखंड् नुंचि वस्तुन्न ट्रक्कुनु ढीकोट्टिंदि। పెద్ద శబ్దంతో పేలుడు సంభవించి రెండు వాహనాల్లో మంటలు అంటుకున్నాయి। స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు। డోర్లు లాక్ కావడంతో కారులోని 8 మంది అగ్నికి ఆహుతయ్యారు। మృతుల్లో 7 పెద్దలు ఒక చిన్నారి ఉన్నారు। ట్రక్కులోని ఇద్దరు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు। भोजीपुरा के पास में हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है। बड़ी ही दुखद घटना है और दुर्घटना इसमें हुई है। इसमें एक अर्टिका गाड़ी, जो बताया जा रहा है कि एक लॉन से अपने घर पे जा रही है शादी अटेंड करके, वो अपना साइड छूट करके दूसरे साइड में पहुंची हुई है। टायर के मार्क यहाँ पे दिख रहे हैं और सामने आ रहे हैं ट्रक से, उसका डंपर से उनका टक्कर हुआ है और कुछ देर तक गाड़ी घिसी हुई है। उसके दौरान तत्काल आग लगने के कारण ये घटना हुई है ऐसा लग रहा है। और गाड़ी सेंटर लॉक थी तो आग लगने के कारण जो अंदर लोग थे उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक जो बॉडीज को निकाला गया है तो 7 एडल्ट और 1 बच्चा ऐसी बॉडी लग रही है। इनको भेजा गया है PM के लिए और अग्रिम विधायक कार्रवाई मौके पर कराई जा रही है। एक ड्राइवर जो था वो गाड़ी के नंबर से ट्रेस आउट हो गया है और उसके बाद में 2 और अन्य लोगों की पहचान कराई गई है। बाकी उनके माध्यम से, उनके घर वालों के माध्यम से अन्य लोगों के बारे में पता कराया जा रहा है। यहाँ पर मौके पर मैं उपस्थित हूँ और पूरी हमारी टीम है। फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियाँ यहाँ उपस्थित हैं, परंतु ट्रक के अंदर कोई जली बॉडी नहीं दिख रही है। संभवतः उसका ड्राइवर उससे निकल करके बाहर निकला हुआ है ये लग रहा है। ट्रक को भी उसके डिटेल्स के